देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। बांदा में आज तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। टेम्पो में सवार आधा दर्जन यात्री हुए घायल। आने जाने वाले राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता दें, मामला शहर कोतवाली अंतर्गत मवई रोड का है, जहां आज सुबह बांदा से अमारा गांव जा रही टेम्पो जानवर बचाने में रोड किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। आने जाने वाले राहगीरों ने यात्रियों को घायल अवस्था में पड़े देख घटना की सूचना तत्काल 108 एम्बुलेंस को देकर घायलों को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज के दौरान चार सवार की हालत सामान्य बनी हुई, वहीं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये थी विष्णु सिंह की खास रिपोर्ट। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी टेम्पो? टेम्पो जो है वहाँ से पुल के नीचे से कचहरी चौराहे से पुल के नीचे से मोड़ जा रही थी। कितने लोग टेम्पो में सवार थे? 12-15 लोग। ये किसकी लापरवाही से घटना हुई? ड्राइवर की लापरवाही से। क्या नाम है भैया? हमारा ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, कैसे घटना हो गई, कहाँ जा रहे थे आप लोग? अपने गांव जा रहे थे, बांध आए थे काम से, गांव जा रहे थे। अच्छा, रास्ते में हम पीछे बैठे थे तो अचानक घटना हुई। काफी आदमी जख्मी हुई। लगभग कितने लोग थे टेम्पो में? 8-10 लोग थे। अच्छा, कैसे पलटी, कैसे है? अचानक से पलटी, ये पता नहीं कोई कह रहा है, हम पीछे बैठे थे, पता नहीं है कैसे पलटी, हम पीछे सबसे बैठे थे। अच्छा, लगभग कितने लोग थे और कितने लोग घायल हैं? 10-12 लोग थे। 10-12 लोग थे। इसमें जो है कोतवाली के पास की घटना है और इसमें करीब 6 लोग घायल हुए हैं जो हमारे भर्ती हैं। कुछ जो साधारण घायल थे उनको दवा लेकर के छुट्टी कर दी गई। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।